हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक न्यू वीडियो जो है लाया हूँ। इस बार मैं आपके लिए बहुत दिलचस्प वीडियो लाया हूँ, ठीक है। इस बार कुछ फेसबुक के हवाले से जो सीक्रेट्स हैं, जो आप फेसबुक के बारे में जान के आपको बहुत बड़ी फ़ायदा हो सकता है और आप इससे खुश हो सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में कुछ ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टैगिंग पर चलेंगे। टैगिंग पर क्या होता है कि, ठीक है, लोग अक्सर परेशान होते हैं कि दूसरे लोग उनको टैग कर देते हैं। फिर क्या होता है, इसका नुकसान ये होता है कि रिपीटेशन एक तो ख़राब हो जाती है, उसमें अगर कोई और जो आपके फ्रेंड्स है आपकी आईडी जो ओपन करके कोई आपकी पोस्ट वगैरह देखता है तो उसमें जो लोग टैग करते हैं उनकी पोस्ट आपकी आईडी में आ जाती हैं। इससे बहुत बड़ा जो है टेंशन हो जाता है, और जो लोग ओपन करते हैं आपकी आईडी उनको ये नहीं पता लगता कि आपकी पोस्ट हैं या किसी और की हैं। इसकी वजह से ये आपकी एक आईडी की रिपीटेशन ख़राब हो जाती है और आपकी पहचान में जो है डिस्टर्बेंस आ जाती है। इस सिलसिले में मैंने एक टैगिंग का जो है सिलेक्ट ऑप्शन किया है। चलिए फ्रेंड्स, हम कुछ सीखते हैं इससे, ठीक है। जैसे फ्रेंड्स मैंने ओपन किया फेसबुक को और यहाँ पर मैं जो है जा रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है सेटिंग्स एंड प्राइवेसी। जैसे सेटिंग्स प्राइवेसी में जाऊंगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइवेसी शॉर्टकट्स, मैं इसको ओपन करूँगा। जैसे मैंने ओपन किया तो यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा हुआ है टाइमलाइन एंड टैगिंग, ठीक है। मैं इसको ओपन करूँगा। यहाँ पर लिखा हुआ है हु कैन पोस्ट ऑन योर टाइमलाइन, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर सीधा मैं टैगिंग के तरफ जाऊँगा। यहाँ पर लिखा हुआ है हु कैन सी पोस्ट यू आर टैग्ड इन ऑन योर टाइमलाइन, ठीक है। माना ये इसका मीन्स मतलब ये है कि कौन जो है आपकी जो टाइमलाइन जो टैगिंग है वो पोस्ट देखे। यहाँ पर लिखा हुआ है एवरीवन, यानी कि जो है जो भी हैं फेसबुक पर सारे देख सकते हैं। यानी दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, यानी कि दोस्तों के दोस्त। और तीसरी बार लिखा हुआ है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेसिफिक फ्रेंड्स मखसूस। यहाँ पर मैं करूँगा इसको सिलेक्ट ओनली मी, यानी कि सिर्फ मैं इसको देख सकूँ, यानी कि मेरी ज़ात तक महदूद रहे। इससे क्या होगा कि आपकी जो यहाँ पर टैगिंग जो है अब ऑफ़ हो जाएगी, ठीक है। जो भी टैग करेगा सिर्फ आप उसे देख पाएंगे, लेकिन कोई और जो आपकी आईडी ओपन करेगा वहाँ पर वो नहीं, कोई नहीं देख सकेगा, ठीक है। यही फर्स्ट जो है मेरी थी ये टैगिंग का ऑप्शन था, इससे आप छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों दूसरे नंबर पर मैंने जिसके पॉइंट्स को जगह दी है फेसबुक पर, वो है कि आपकी फ्रेंड लिस्ट कौन कौन देख सकता है, ठीक है। इसके बारे में एक प्राइवेसी होनी चाहिए। हालांकि होना ये चाहिए कि आपके जो फ्रेंड्स हैं सिर्फ आप पर ही महदूद रहे। कोई ये ना करे कि आपको फ्रेंड्स है वो आपके देखे। फ्रेंड्स जो भी हैं जैसे भी हैं किसी के, यानी कि ऐब होते हैं राज होते हैं। तो इस सिलसिले में मैंने एक बहुत बड़ी जो है पॉइंट्स जो है फेसबुक से निकाला है, एक सीक्रेट्स है कि आप सिर्फ अपना वो ऐसी सेटिंग्स करके सिर्फ आप फ्रेंड देख सकते हैं, लेकिन कोई और नहीं देख सकता। चलिए दोस्तों फेसबुक पर मैं आपको ले चलता हूँ, वहाँ पर मैं आपको बिल्कुल बना के दिखाऊँगा, ठीक है। आपको तरीका समझना, इस वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। फ्रेंड्स फेसबुक की ऐप को ओपन करना है, और जैसे ही सेटिंग्स यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, सेटिंग्स में जो है जाना है। सेटिंग्स आ जाएंगी, यहाँ पर लिखा हुआ है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, लैंग्वेज, पेमेंट्स। आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, सीधा नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको सीधा नीचे आना है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइवेसी सेटिंग्स, ठीक है। प्राइवेसी सेटिंग में यहाँ पर लिखा है चेक अ फ्यू इंपॉर्टेंट सेटिंग्स, पर आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना। आपको देखना है कि हु कैन सी यूर फ्रेंड लिस्ट, ठीक है। यहाँ पर आठवीं लाइन पर, तकरीबन आठवीं लाइन हो सकती है, मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो इनकी इंग्लिश जो है वीक है, ठीक है। मैं इसको ओपन करूँगा, हु कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट। यहाँ पर लिखा हुआ है एवरी वन, यानी कि जो हर कोई देख सकता है आपकी फ्रेंड लिस्ट। यहाँ पर एवरी वन लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पर पब्लिक लिखा हुआ है और फ्रेंड एक्सेप्ट लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर
ठीक है, आपको यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिखा हुआ है पब्लिक, पब्लिक पे पहले जो है ऑप्शन हुआ है, लेकिन फ्रेंड्स, फ्रेंड एक्सेप्ट स्पेसिफिक यानी मखसूस फ्रेंड, आपको यहाँ पर ओनली मी करना है। ठीक है, ओनली मी से क्या होगा, सिर्फ मेरी ज़ात पर महदूद रहेगा और सिर्फ मैं देख सकूँगा। यही थी यानी कि फ्रेंड लिस्ट। अगर आप यहाँ पर लिख रहे हैं हु कैन सेंड योर फ्रेंड रिक्वेस्ट एवरी वन, यहाँ पर आप और भी जो तरीके हैं आप यहाँ पर कुछ कर सकते हैं इसके हवाले से। यहाँ पर हु कैन सी योर स्टोरीज, जो भी सेटिंग्स है यहाँ पर, ये सीक्रेट्स हैं जो आम लोग नहीं जानते, इसके लिए हैं, ये प्राइवेट है, यहाँ पर आप जो है सेटिंग्स कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने जो और पॉइंट्स को जगह दी है वो है लॉगिन, यानी कि जो लोग अक्सर दूसरों से, दूसरों को मोबाइल, फ्रेंड्स जो अक्सर एक जगह पर रहते हैं तो क्या करते हैं, यार मुझे मोबाइल दे, मैं अपनी फेसबुक आईडी चला के तुम्हें वापस कर दूंगा। ठीक है, ऐसे चलाने से या किसी और कंप्यूटर के यार और कंप्यूटर के पास आईडी, अपनी आईडी जो है चलाते हैं लेकिन उसे लॉग आउट करना भूल जाते हैं, फिर क्या होता है कि कोई लोग और उसकी आईडी चला दे या उसे कोई और गलत पोस्ट अपलोड कर दे या कोई और कर दे, तो इससे क्या आपका नुकसान और आपकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी आईडी की। तो इस हवाले से मैंने कुछ सीक्रेट्स फेसबुक से क्रिएट किए हैं, वो आपको मैं बताऊँगा इसमें, कि आप अपनी ही मोबाइल से, अपनी ही आईडी से दूसरे जगह पर आप जो लॉग इन हुए थे, आप अपनी मोबाइल से लॉग आउट ऑफ ऑल सेशंस लॉग आउट कर सकते हैं उन मोबाइलों से, आप अपने मोबाइल से सिर्फ। इसके लिए जो चले फ्रेंड्स सीखिए, अगर मेरी अपनी वीडियो को पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, और लाइक देने में आपका कोई खर्चा नहीं आएगा, इसमें हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स सीखते हैं। तो फ्रेंड्स आपको तीन बटन ये देख रहे हैं, इनको दबाना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है सेटिंग्स। ठीक है, सेटिंग्स को जो है जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे नीचे आएंगे सिक्योरिटी एंड लॉगिन। इसमें आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग अक्सर होते हैं कि जो किसी के और लैपटॉप हो या कंप्यूटर पर जो है फेसबुक चलाते चलाने लगते हैं अपनी आईडी बना के, ठीक है, फिर क्या होता है उनको लॉग आउट करना जो है भूल जाते हैं, फिर ये ऐसे परेशानी हो जाती है, या कोई और मोबाइल फ़ोन से कोई उसके आईडी चला रहा है, इससे नुकसान हो सकता है, और या कोई और फ्रेंड से लेकर जो दोस्त एक दूसरे की आईडी फेस मोबाइल पर जो है आईडीज चलाते रहते हैं अपनी, तो इस मेरे पास यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, मेरे पास जो है इसका सॉल्यूशन है कि आप अपनी मोबाइल से, अपनी आईडी से जो है आप लॉग आउट कर सकते हैं दूसरी मोबाइलों से। ठीक है, दूसरी मोबाइल से अपनी आईडी, यहाँ पर लिखा है वेयर यू आर लॉग्ड इन। ठीक है, वेयर यू आर लॉग्ड इन में यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप सी मोर को दबाएँगे, जैसे ही सी मोर को दबाएँगे तो रिज़ल्ट आपके सामने आएगा। इस वीडियो को समझने के लिए आप एंड तक आपको देखना पड़ेगा इस वीडियो को, तो फिर आप समझ सकते हैं न्यू ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स ये आपके रिजल्ट सामने, मैंने लिखा है क्यूमेल एक्स एनर्जी वन एंड्रॉयड कराची पाकिस्तान, एनर्जी एक्स वन एंड्रॉयड कराची पाकिस्तान, यानी कि मेरे जो है मोबाइल्स फ़ोनस पर जो है मेरी आईडी जो है यहाँ पर चलाई गई है मुख्तलिफ जो है डेज से। तो मैं यहाँ पर लिखा हुआ है लॉग आउट ऑफ ऑल सीजन्स, ठीक है, सेशंस, सॉरी लॉग आउट ऑफ ऑल सेशंस, मैं यहाँ पर लॉग आउट कर सकता हूँ जो जिससे भी जिन पर मोबाइल्स पर मैं लॉग इन हुआ हूँ, तो यहाँ पर मैं लॉग आउट कर सकता हूँ। ठीक है, इससे यही फ़ायदा है कि आप लॉग आउट कर सकते हैं कोई भी जो है आपको जो है यहाँ पर एक एक आईडी को भी आप जो है लॉग आउट कर सकते हैं। यहाँ पर तीन टुबके को यहाँ पर लगाएंगे, नॉट यू या लॉग आउट, ठीक है, ये तीन जो है आपको जो दिखा रहे हैं इससे आप इनसे लॉग आउट हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर लॉग आउट नहीं होना चाहता क्योंकि ये मेरे अपने ही आईडी से मोबाइल फ़ोन है। तो यहाँ पर आपको ये क्या हुआ, आप यहाँ पर लॉग इन विथ योर प्रोफाइल पिक्चर, आप अपना प्रोफाइल पिक्चर जो है सेव करके इसे अपना